इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी में महाभारत छिड़ी है। जो झगड़ा है आम आदमी पार्टी का वो बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर ये, महाराष्ट्र की नेता अंजलि दमानिया ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अंजलि का कहना है कि मैंने अरविंद केजरीवाल का समर्थन सिद्धांतों के आधार पर किया था, ना कि खरीद फरोख्त के लिए। खरीद फरोख्त का ये बड़ा आरोप अंजलि दमानिया ने ट्वीट करते हुए लगाया है। महाराष्ट्र की आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है अंजलि दमानिया। मयूर परीक एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, अंजलि ने खरीद फरोख्त का ये बड़ा आरोप लगाया है, ये खरीद फरोख्त का आरोप क्यों लगाया, किस आधार पर? जी बिल्कुल, अंजलि दमानिया ने आज तक इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो अन्य दलों पे लगाए हैं, लेकिन आज अपने ही दल के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है। दरअसल पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी मुंबई में तनाव चल रहा है। कुछ समय पहले अंजलि दमानिया ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन मामला कहीं ना कहीं सुलझ गया था। अब एक बार फिर अंजलि दमानिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये खबर आ रही है। अंजलि दमानिया इससे पहले पक्ष के कई पदों पे थी, इस समय वो एक भी पद पे नहीं है। उन्होंने लगभग तमाम पदों के ऊपर से त्याग पत्र दे दिया है और वो त्याग पत्र मंजूर भी हो चुका है। इस समय अंजलि दमानिया जो है उन्होंने अपने प्राथमिक पद से भी इस्तीफा देने की खबर आ रही है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के अंदर कई सारे पद वेकेंट है और उन पदों को लेकर भी खींचातानी आपस में चल रही है, तो यही माना जा रहा है इन पदों के बंटवारे को लेकर यह आरोप हो सकता है। तो पदों के बंटवारे को लेकर यह आरोप हो सकता है, लेकिन अभी भी ये पूरा साफ नहीं है कि खरीद फरोख्त का जो आरोप अंजलि दमानिया लगा रही है वो उसका आधार क्या है। सिद्धांतों के लिए अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, ये कहना है अंजलि दमानिया का। पिछले साल 2014 में भी अंजलि दमानिया ने पार्टी छोड़ी थी, एक बार फिर से ये इस्तीफा अंजलि दमानिया ने दिया है और महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका है। अंजलि दमानिया बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया है कि खरीद फरोख्त हो रही है पार्टी में और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रही हूं। सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांतों को समर्थन करने के लिए मैं गई थी, लेकिन अब जो पार्टी में हो रहा है वो सब बकवास है। अंजलि दमानिया ने बकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि मैं इस्तीफा दे रही हूं, आई क्विट उन्होंने कहा, और उसके बाद कहा कि मैंने सिद्धांतों को समर्थन किया था, अब सिद्धांत पार्टी में नहीं बचे। एक और बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने साझा बयान जारी कर पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है और मांग की है कि उनका जवाब भी पार्टी की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। योगेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि संयोजक पद का मुद्दा ना था और ना है। योगेंद्र ने केजरीवाल पर बड़ा आरोप यह लगाया कि लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने की बात कही थी। ये बड़ा आरोप योगेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया और कहा कि संयोजक पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। जैनेन्द्र एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़े हैं। जैनेन्द्र, पता चला कि इस चिट्ठी में क्या है? बिल्कुल, जो कि सात पन्नों की चिट्ठी है, चिट्ठी मैंने पढ़ ली है और जिस तरीके से पिछले कल जो है वो आठ बिंदुओं का आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी के पीएससी के जो चार अहम सदस्य हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और पंकज गुप्ता ने, और वो कारण गिनाए थे कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आखिर पीएससी से क्यों निकाला गया। उन आरोपों का जवाब दिया गया है सात पन्नों की इस चिट्ठी में। और इसके अलावा ये बताया गया है कि 26 फरवरी को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी आम आदमी पार्टी की, उसमें क्या प्रस्ताव लेकर आए थे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, उसके बारे में बताया गया। अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर और आम आदमी पार्टी में जो चल रहा था पिछले दिनों में उन तमाम मुद्दों पर। सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है कि लोकसभा चुनाव के हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की ये जो ज्वाइंट चिट्ठी है उसमें ये खुलासा किया गया है कि कैसे पार्टी के आंतरिक जो कमेटियां होती हैं जैसे पीएससी या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, बल्कि इस तरह की जब चर्चा होती थी तो असहमति व्यक्त की कई सारे नेताओं ने और कई विधायकों ने भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि कांग्रेस के सहयोग से एक बार फिर सरकार बने और एलजी को चिट्ठी भी लिखी थी जो थी, तो वो मुद्दा उठाया गया है और वो कहा गया है कि क्या ऐसा करना उचित होता, और उस मुद्दे को सबसे पहले जगह दी गई है। जो चिट्ठी है उसमें सबसे पहला बिंदु यही है कि कांग्रेस के सहयोग से किस तरीके से लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सरकार बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा है वो जून 2014 में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले योगेंद्र यादव ने इस्तीफा दिया था, उस घटना का जिक्र है।
आरोप लगाया गया है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आशुतोष ने एक अजीब मांग रखनी शुरू की है। मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीएससी के सभी सदस्य अपना इस्तीफा अरविंद भाई को सौंपें ताकि वो अपनी सुविधा से नई पीएससी का गठन कर सकें। दरअसल योगेंद्र यादव वो सफाई दे रहे हैं जिसमें जून में उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसके पीछे का बैकग्राउंड बता रहे हैं और उनका आरोप है कि इन नेताओं ने ये मांग रखी थी कि पीएससी के सारे सदस्य इस्तीफा दें। और योगेंद्र यादव का आरोप है कि दरअसल ये बहाना था पार्टी के जो अरविंद गुट के नेता हैं उनका, ताकि सब लोग इस्तीफा दे दें और फिर अपने तरीके से वो पीएससी का गठन करें। इसके बाद आते हैं तीसरे बिंदु में, संगरूर में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसका मुद्दा उठाया गया था। अरविंद केजरीवाल इसमें भी अरविंद केजरीवाल वाला आरोप लगाए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि अरविंद ने यह धमकी दी कि अगर बाकी राज्यों में पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। यानी हरियाणा में जो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया गया था, योगेंद्र यादव का मत यह था कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन संगरूर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में फैसला हुआ कि वहां चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो उस कमेटी के अंदर क्या हुआ, उस मीटिंग में क्या हुआ, वो योगेंद्र यादव बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि वहां चुनाव लड़े पार्टी, और वो धमकी भी दी थी अरविंद केजरीवाल ने कि वो चुनाव प्रचार नहीं करने जाएंगे। चौथे बिंदु में ज्योति, आपको याद होगा कि पिछले साल ओखला में भड़काऊ पोस्टर लगाए गए थे जिसमें पार्टी के जो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के सचिव है दिलीप पांडे वो गिरफ्तार भी हुए थे दो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ। उस विवाद का जिक्र है जिसमें यह बताया गया कि कैसे एक अमानतुल्ला नाम के शख्स ने उस वक्त वो जिम्मेदारी ली थी और बाद में उसी अमानतुल्ला को वहां से टिकट दिया गया ओखला से, और फिलहाल वो ओखला से विधायक भी हैं। और योगेंद्र यादव ने उस वक्त विरोध किया था, उस घटना का जिक्र किया गया है। और ये योगेंद्र यादव का कहना है कि उसके बाद जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने विरोध किया उस पोस्टरबाजी का, उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच योगेंद्र यादव के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो चौथे पॉइंट में यह है ज्योति। इसके बाद पांचवा, जो आवाम नाम का जो संगठन, जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स का ही टूट कर बना हुआ संगठन है, और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये आवाम जो है वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी और इसकी वजह से सारे कार्यकर्ताओं को निकाल दिया है आम आदमी पार्टी ने। आवाम का जिक्र किया गया और कहा गया है कि आवाम को निकालने के बाद, आवाम के कार्यकर्ताओं को निकालने के बाद जो उसके अध्यक्ष हैं करण सिंह, उन पर एक शिकायत थी और वो शिकायत गई थी पार्टी के अनुशासनात्मक समिति में जिसके अध्यक्ष है प्रशांत भूषण। तो ये जो आरोप लगे थे कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आवाम से मिले हुए थे, तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की चिट्ठी में ये है कि चूंकि वो शिकायत आई थी करण सिंह के नाम पर और उस शिकायत की जांच जो है वो बहुत जरूरी था, इसलिए करण सिंह से प्रशांत भूषण जो है वो मिलते थे। और साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि पार्टी बहुत सीरियस नहीं थी उन जांचों के आरोप में, क्योंकि जो मैसेज का हवाला देकर के उनको निकाला गया था, मैसेज में आया था कि चलो सब बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो मैसेज अंततः फर्जी पाया गया, ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि पार्टी ने निकाल तो दिया लेकिन जांच करवाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी। जो छठा आरोप है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें यह लिखा गया है कि जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ और उससे पहले जब टिकट बंटने लगे तो कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया और जो दूसरी पार्टियों के नेता थे उनको जगह मिलने लगी और उनको टिकट मिलने लगा। और इस पर पीएससी में या फिर जो बड़े नेता थे पार्टी के उनको सहमति उनकी नहीं ली गई, तो वो जिक्र है जी। तो ये बड़ी बातें हैं जो जैनेन्द्र बता रहे हैं, ये बड़ी बातें हैं जो चिट्ठी के अंदर बाकायदा लिखी हुई है कि कहां कहां पे क्या क्या आरोप लगाए केजरीवाल पर, योगेंद्र प्रशांत के गंभीर आरोप, ये बड़ी बातें हैं। संयोजक के पद को लेकर कोई भी बात नहीं है, ये योगेंद्र यादव ने चिट्ठी में लिखा। लोकसभा के बाद कांग्रेस के साथ सरकार चाहते थे अरविंद केजरीवाल, ये भी बड़ा आरोप। और तीसरी बात जो लिखी, हार के बाद पीएससी भंग करने का प्रस्ताव संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का था ताकि बाद में वो पीएससी में अपनी तरह से सदस्यों का चुनाव करें, राज्यों में चुनाव लड़ने का फैसला राज्यों को तय करना था, ये चौथा पॉइंट। और पांचवी बात ये कि भड़काऊ पोस्टर के आरोपी अमानतुल्लाह को टिकट दिया गया, ये भी सवाल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने जो साझा बयान जारी किया, जो साझा चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है। और इस वक्त मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी भी जुड़ गई है। संगीता जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं योगेंद्र यादव की तरफ से, मीडिया से बात नहीं की अभी, सिर्फ उन्होंने कहा कि लोकपाल इसकी जांच करे, क्या मतलब निकाला जाए, अभी वो इंतजार करेंगे। देखिए ज्योति, इसमें मतलब सीधा है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए थे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर, उसका बड़े ही सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने आरोपों में ही जवाब दिया है और उसके जरिए कुछ अपनी तरफ से तथ्यों को रखने की कोशिश की है, जो सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर कुछ बहुत बड़े सवाल उठाते हैं। जो योगेंद्र यादव ने पहली सफाई दी है, जैनेन्द्र जैसा बता रहे थे,
पहले उन्होंने अपना पक्ष रखा और अपनी सफाई दी कि आखिर ये विवाद क्यों है, क्योंकि एक लगातार एक माहौल बन रहा था कि कहीं ये जो आम आदमी पार्टी के कन्वेनर पोस्ट को लेकर के, संयोजक के पद को लेकर के तो झगड़ा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से जो चिट्ठी जारी हुई थी उसमें इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव को संयोजक बनवाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, संयोजक पद की लड़ाई नहीं है, बल्कि कुछ मुद्दों की लड़ाई है जो कि हमने समय समय पर पार्टी के फोरम में उठाने की कोशिश की, उसे उठाया रखा, लेकिन उसे पूरी तवज्जो नहीं दी गई। आखिरी जो उन्होंने एक मसला उठाया है, बाकी सारे मुद्दे तो जेनन ने तफसील से बताए या हम जो पांच बड़े मुद्दे बता रहे हैं, कुछ चीजें जो उन्होंने 26 फरवरी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक नोट के जरिए जो प्रस्ताव रखे थे जो हम नहीं बता पाए हैं वो मैं बताना चाहूंगी कि उसमें उन्होंने कहा है कि जो 2 करोड़ के चेक को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था कि ये पैसे कहाँ से आए पार्टी चंदा में, उसकी जांच की बात कही थी इन्होंने कि जांच कराई जाए, ढंग से इसकी जांच कराई जाए और कहीं भी हम दूसरी पार्टियों की तरह गोलमोल ना दिखें, इसलिए ज़रूरी यह है कि गहराई से जांच हो। दूसरा जो इन्होंने सवाल वहाँ प्रस्ताव रखा था उसमें ये कहा था कि राज्यों के राजनीतिक निर्णय कम से कम स्थानीय निकाय के चुनाव के निर्णय खुद राज्य इकाई लें, हर चीज़ दिल्ली से तय ना हो। यहाँ पर सीधे तौर पे जो एक बात पहले भी उठती रही है पार्टी के अंदर भी, योगेंद्र यादव ने भी उठाई थी कि पार्टी व्यक्तिवादी हो रही है, अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक हो रही है, तो उसको खत्म करने की कोशिश प्रस्ताव के जरिए है कि फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाएं, राज्य इकाइयों को भी आज़ादी दी जाए कि वो अपने फैसले करें। अगर आपको याद हो तो हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात थी जो कि अंत में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यह तय किया कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे और योगेंद्र यादव कहीं ना कहीं उससे काफ़ी आहत हुए थे, जिसके बाद फिर जून में PSC के इस्तीफे की बात आई थी। फिर उन्होंने जो एक और प्रस्ताव रखा है कि पार्टी के संस्थागत ढांचे आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान हो और PSC एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें नियमित और विधिवत हों। चौथा है कि पार्टी के निर्णयों में वॉलंटियर्स की आवाज़ सुनने और उसका सम्मान करने की पर्याप्त व्यवस्था हो। यानी जो प्रस्ताव रखे गए या जो जवाब दिया है योगेंद्र यादव ने उसमें सीधे तौर पे पार्टी के कामकाज की शैली पर सवाल उठाए हैं कि पार्टी दरअसल संगठित तौर पे जैसे एक संगठन को चलना चाहिए, पार्टी को चलना चाहिए, उस तरह से नहीं चल रही है और फैसले ऊपर से लेकर के सीधे नीचे की ओर बताए जा रहे हैं, ना कि जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सभी को जो फैसले हैं उसमें शामिल किया जाएगा, उस तरह की बात नहीं हो रही है। सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं इस चिट्ठी से। जी, तो कई सवाल खड़े होते हैं। संगीता तिवारी ने साफ तौर पर बताया कि इन सवालों का जवाब अब इंतजार रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी देती है। हालांकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल इलाज के लिए बेंगलुरु में हैं, उससे पहले जब वो इलाज के लिए गए थे तब भी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था।